एक तरीके से पैक समझ सकते हैं जिसमें मल्टीपल टूल्स या पेलोड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर आता है हमारा एम्पायर एम्पायर एक वर्क करने वाली चीजों में हेल्प करता है access, इन सारी चीजों में हेल्प करता है तो इसमें का भी वर्क होता है तो हम एम्पायर को हमारे पार्ट में यूज कर सकते हैं थर्ड एंड वेरी अंडर टूल नेट कैट ये काफी अंडर टूल है बट स्टिल नेटकैट के पास काफी अच्छी पावर्स है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें तो आप कई सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं एंड उसको अगर अच्छे से यूज करा जाए तो एज एन अनडिटेक्टेबल भी वो बन सकता है बट स्टिल उसके लिए आपको उस पर प्रैक्टिस आनी चाहिए उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उसे कर पाएंगे यूज नेक्स्ट है मिमी कैथ मिमिकैथ एक ऐसा टूल है जो कि आपको पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करने में उसके हैशेज निकालने में प्लेन टेक्स्ट में है तो प्लेन टेक्स्ट में आपको करेगा. साथ की भी लाके ये दे रहा है, अलग अलग जगहों से तो ओवरऑल अच्छा है है पावरशेल एम्पायर अब ये काइंड ऑफ एम्पायर की तरह वर्क करता है बट ये टारगेटेड होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यानी अगर विंडोज को आप अटैक कर रहे हो तो पावरशेल शेल एम्पायर ये टूल आप यूज कर सकते हो ताकि आप वो सारी एम्पायर वाली पावर्स पावर शेल के सिस्टम्स के थ्रू कनेक्ट कर सको जो कि वर्क करता है विंडोज के अंदर तो ये टूल भी काफी अच्छा है एंड इसके साथ आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके थोड़े से कुछ फीचर्स कॉम्प्लेक्स है बट अगर आप उसे प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो नो डाउट आप उसे भी सीख जाएंगे नेक्स्ट आता है वेल या फिर वेल इन्वेशन ये एक अच्छा मालवेयर जनरेटिंग टूल है जो कि रैथ्स पेलोड्स ये बनाता है जो कि एंटीवायरस को भी बाईपास कर सकते हैं बट इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें थोड़े बहुत मैनुअल फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आपको थोड़े अपने अंत से भी एफर्ट्स डालने होंगे ताकि आप उसे और बेटर बना सके बट स्टिल ये एक पोस्ट एक्सप्लाटेशन के लिए बहुत अमेजिंग टूल माना जाता है नेक्स्ट आता है हमारे बैकडोर्स आप बैकडोर्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं जिससे एक सिस्टम पे मेंटेन आपका एक्सेस रहे अगर जितना अच्छे से आपने बैकडोर को बाइंड करा यूज करा लंबे समय तक या परसिस्टेंट एक्सेस आपको ला के देगा नेक्स्टली ऐसे ही होते हैं रैड रैट यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन अब ये ट्रोजन्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली हाइड हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से इन्हें यूज करा है तो बनाना आता है एंड यूज करना आता है तो रैट्स ईजिली आपके सिस्टम में हाइड हो जाएंगे सामने वाले के सिस्टम में हाइड हो जाएंगे एंड हाइड होने के साथ साथ वो अपने मलिशियस टास्क भी करते रहेंगे तो उन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा एंड साथ ही साथ उन्हें रिमूव करना भी मुश्किल होगा इस वजह से आपका एक परसिस्टेंस एक्सेस बन जाएगा यानी

प्रॉपर थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट काम किया जाएगा यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मैनी मोर आप ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं तो ये कुछ टूल्स है जो आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प आउट करेंगे अब ये आप खुद प्रैक्टिस आउट करें कुछ रिसोर्सेस हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि एट मोमेंट हम इनके प्रैक्टिकल्स नहीं देख सकते क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी से, से रिस्ट्रिक्ट करती है बट हम कई सारी चीज़ें हमारे बैचेस में जरूर देखते हैं ताकि हम उस स्किल सेट को गेन कर सके बट यूट्यूब पे इतना ही रहने वाला है क्योंकि यूट्यूब हमें रिस्ट्रिक्ट करता है बट स्टिल हम आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं ताकि इस रेस्ट्रिक्शंस को भी हम टैकल करके आप तक बेस्ट कंटेंट ला सके बट अभी के लिए आपको इन्हीं टूल्स को सर्च आउट करना है इनके कई सारे आर्टिकल्स ब्लॉग अवेलेबल है इंटरनेट पे जिन्हें आपको रीड आउट करके इन्हें समझना है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्प करेंगे सो so होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो